हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर लेकर के आई हूँ। मुझसे कमेंट करके बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं ऑफर लेटर के रिगार्डिंग। किसी को इंटरव्यू नहीं हुआ है, किसी का इंटरव्यू हो गया है, उन्हें ऑफर लेटर नहीं मिला है, किसी ने सर्वे मेल फिल कर दिया है, उनको ऑफर लेटर नहीं मिला है, किसी का इंटरव्यू आया है नहीं आया, उनका इंटरव्यू रिशेड्यूल होगा या नहीं होगा। तो आज मैं आपको इस सब से रिलेटेड आपकी क्वेरी को सॉल्व करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर के कि हमने सर्वे मेल फिल कर दिया है तो अब क्या होगा, हमारे पास ऑफर लेटर नहीं आया है, कोई कह रहा है हमारा इंटरव्यू नहीं आया है। तो फिर आप लोगों को इसका आंसर जानने के लिए प्लीज़ एंड तक देखें, और अगर आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जा रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको इससे रिलेटेड अपडेट्स देती रहूं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। गाइस, अगर आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो फिर मैं और वीडियोस इससे रिलेटेड और आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहती हूं, आप लोग जैसे कि मुझसे या किसी और यूट्यूबर से आप लोग पूछ रहे हो कि आपकी ये क्वेरी है, आपके साथ ऐसा हुआ है कि इंटरव्यू आया और आपका इंटरव्यू नहीं हुआ है, शेड्यूल होगा या नहीं होगा, तो मैंने कमेंट में एक मेल आईडी आपको दे रखी है। मतलब दो तीन बार मैंने उसको सबको मैं पर इंडिविजुअली तो कमेंट कर नहीं सकती, तब भी मैंने बहुत सारे बच्चों को कमेंट में रिप्लाई किया है कि इस मेल आईडी पे आप लोग कम्युनिकेट करें और वहाँ से आप पूछें। क्योंकि देखो मेरे साथ क्या हुआ था, जब मेरा 5 जून को इंटरव्यू था तो इंटरव्यूअर आया था और फिर चला गया था, क्योंकि मेरे को आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, तो मैंने उनको बोला कि आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, तो फिर उन्होंने ना तो कुछ बोला और फिर वो चले गए, आए ही नहीं। ठीक है, तो फिर मैंने उनको मेल किया शाम को, तब भी मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया उनका। ठीक है, फिर मैंने वेट किया एक दिन का, नेक्स्ट डे भी कुछ भी नहीं हुआ, मैंने उन्हें दोबारा मेल किया 2 डेज बाद मैंने उन्हें मेल किया, लेकिन उन्होंने फिर मेरे को रिप्लाई किया। उसके नेक्स्ट डे ही मेरा इंटरव्यू शेड्यूल ऑलरेडी हो रखा था। ठीक है, यानी कि 9 जून को मैंने मेल किया तो 9 जून को उनका तुरंत रिप्लाई आया कि 10 जून को आपका इंटरव्यू शेड्यूल है। तो इंटरव्यू हुआ 10 जून को मेरा। उसके बाद फिर 1 वीक हो गया वेट करते करते, कुछ ना सर्वे मेल आया ना कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। मैंने फिर से उनको मेल किया 1 वीक बाद, 10 जून थर्सडे को मेरा इंटरव्यू हुआ। फिर मैंने नेक्स्ट थर्सडे को उनको मेल किया कि मैं सिलेक्टेड हूँ या नहीं हूँ, तो प्लीज़ बताओ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे को मेल किया कि या आप वेट कर लो। मतलब देखो मैं आपको मेल दिखाती हूँ, ये है मेल। उन्होंने लिखा, डियर कैंडिडेट, प्लीज नोट दैट इफ यू हैव क्लियर द इंटरव्यू यू विल गेट कम्युनिकेशन ऑन सेम विद डिटेल्स ऑन नेक्स्ट स्टेप टू बी टेकन बाय यू, प्लीज वेट। If you have any contact person details in email that you received, please contact him or her. Or if you have any college TPO, to contact them. तो मैंने ऐसा कुछ ना करते हुए मैंने वेट करना ज़्यादा सही समझा, तो मैंने वेट किया और फिर उसके बाद उसी दिन मेरा ये देखो मेरा जो है ऑफर लेटर जनरेट हो गया उसी दिन, उसी डे को ऑफर लेटर शाम तक आ गया। मैंने क्योंकि वेट कर लिया, उसके बाद मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि फिर मैं टीपीओ वगैरह के पास क्या क्या ईमेल करती है ना। तो इस तरीके से हुआ है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि गाइस प्लीज़ इधर उधर की बातों में ना जा करके उनको आप लोग डायरेक्ट मेल करके अपना क्वेरी पूछो, क्योंकि आप लोग जैसे किसी से भी क्वेश्चन पूछ रहे हो इंटरव्यूअर को, सॉरी यूट्यूबर को, क्या पता कि आपने सर्वे मेल में उनके अकॉर्डिंग फिल किया है या नहीं। उन्होंने पूछा है कि लैपटॉप आपके पास 8 GB रैम वाला है या नहीं है,
तो आपने क्या फिल किया है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग सेलेक्ट कर रहे हैं ना, मतलब हर चीज़ दे करके। तो फिर इसमें कोई थर्ड पर्सन, मतलब जैसे कि मैं भी हूँ, तो मैंने इसीलिए किसी को ये नहीं कहा कि मतलब आपका ऐसे हो जाएगा, क्योंकि मुझे क्या पता वो लोग सेलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ सर, आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट करो मेल आईडी में, मेल आईडी उनकी है वो, जो लोग ने टैलेंट एक्विजिशन करके भेजी है ना कि क्वेरी से रिलेटेड, अगर आपके पास कोई भी, तो उस पर आप लोग उनको मेल करें। ठीक है गाइस, ऐसे इतने सारे मेरे पास कमेंट आ गए, तो फिर मैं हर एक का रिप्लाई तो नहीं कर सकती ना, फिर भी मैंने बहुत लोगों का रिप्लाई किया गाइस। तो आप लोग प्लीज़, आपकी हेल्प अगर हो जाए तो प्लीज़ आकर के, वापस आकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अभी मत करो। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरे बातों से और मेरे बताने के बाद अगर आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं, तो प्लीज़ गाइस इतना तो बनता है कि आप लोग आकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं और अपडेट्स आपको दे सकूँ गाइस, प्लीज़। ओके, सो बस आपको डायरेक्ट उनसे मेल करके आपको अपनी क्वेरी पूछनी है, किसी भी थर्ड पर्सन से ना पूछ करके आप डायरेक्ट उनको कांटेक्ट करें, क्योंकि थर्ड पर्सन, इसमें थर्ड पर्सन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करें मेल करके, उनका अगर रिप्लाई आता है, नहीं आता 2 दिन वेट करें, उसके बाद फिर से आप उनको मेल करो। ठीक है, सो गाइज थैंक यू फॉर टुडे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको कम्युनिकेट करना है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार फिर से उनकी मेल आईडी आपको दे रही हूँ, वहाँ जाकर उस मेल आईडी को अपना कॉपी पेस्ट करके उन पर मेल कर दो आप। ठीक है, इंफोसिस टीम को आप लोग मेल कर देना, ताकि आपका क्वेरी रिजॉल्व हो जाए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू, आकर के जरूर सब्सक्राइब करना अगर आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है।